पटना में सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी जदयू कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। अभ्यर्थियों को पुलिस ने खदेड़ कर भगाया। आपको बता दें कि पिछले 20 दिनों से लगातार गर्दनीबाग में अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता प्रणव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणव, पटना में सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों का प्रदर्शन किया है और क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? प्रणव, पटना में सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है और साथ ही जदयू कार्यालय का घेराव करने भी पहुंचे थे, अब तक क्या कुछ अपडेट है इस पे? जी देखिए, बिल्कुल, पिछले 20 दिनों से लगातार जो सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों को लेकर गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन अगर बात करें पिछले एक हफ्ते की, तो लगातार कभी बीजेपी कार्यालय तो कभी जदयू कार्यालय कभी राजद कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी कर रहे थे। एक दिन उन्होंने भिक्षाटन भी किया था, शिक्षा मंत्री का पुतला दहन भी किया था और आज उन्होंने पहले ही से कॉल दिया था कि वो जदयू कार्यालय पहुंचकर वहां पे हंगामा करेंगे, नारेबाजी करेंगे, जदयू कार्यालय का घेराव करेंगे। क्योंकि इन दिनों लगातार मंगलवार से शुक्रवार तक जो जदयू कार्यालय है वहां पर अलग अलग मंत्री पहुंचते हैं और जनसुनवाई होती है। इसी को लेकर के जो सीटेट बीटेट अभ्यर्थी थे वो आज पहुंचे थे प्रदर्शन के लिए। हालांकि सुरक्षा बलों की पर्याप्त तैनाती की गई थी और जैसे ही वो पहुंचे उन्हें खदेड़ दिया गया, वहां से भगा दिया गया। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी बस एक ही मांग है कि सातवें चरण की जो बहाली प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाए, क्योंकि छठे चरण की जो प्रक्रिया है वो लगभग अंतिम चरण में है। तो ऐसे में उनकी स्पष्ट मांग है कि जल्द से जल्द उनको नियुक्ति दिया जाए और बहाली जो प्रक्रिया है वो शुरू हो। बस एक सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, उनकी मांगों को सरकार नहीं मानेगी, तब तक जो आंदोलन है, प्रदर्शन है, इसी तरीके से आगे भी जारी रहेगा। तो प्रणव, क्या अब तक वो लोग पटना में ही अड़े हुए हैं या फिर जैसे उनका था कि आज वे जदयू कार्यालय का घेराव करेंगे तो उनको जैसे पुलिस ने खदेड़ दिया है, तो क्या अब भी वो अपनी मांग पे ही अड़े हुए हैं? बिल्कुल, अभी भी अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं। पिछले 20 दिनों से लगातार धरना स्थल जो है पटना का गर्दनीबाग, वहां पे जमे हुए थे, विभिन्न अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर अपनी मांगों को रख रहे थे। हालांकि अभी फिलहाल जब से पुलिस ने उन्हें खदेड़ा है, वहां से तितर बितर कर दिया है, सभी जो अभ्यर्थी हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में बट गए हैं। फिलहाल गर्दनीबाग में कोई नहीं पहुंचा है। कुछ जो छात्र अभ्यर्थी हैं वो कंकड़बाग चले गए हैं, कुछ कारगिल चौक चले गए हैं। लेकिन उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक मांगे जो हैं पूरी नहीं होगी, आगे भी जो आंदोलन है इसी तरीके से चलते रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए प्रणव। तो आपको बता दें कि पटना में बीटेट और सीटेट के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है और साथ ही वे लोग जदयू कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ कर वहां से हटा दिया।